आज के इस वीडियो में मैं आपको धनबाद शहर के बारे में बताने वाला हूं। आज धनबाद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे। साथ ही धनबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जहां पर आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। धनबाद झारखंड का एक खूबसूरत जिला है। धनबाद की खूबसूरती उसको एक अनोखा रंग रूप देती है। जी हाँ दोस्तों, इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही धनबाद जमशेदपुर के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी है। इस तरह से देखा जाए तो धनबाद झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। वहीं बात करें तो पूरे भारत वर्ष में यह 42वां सबसे बड़ा शहर है। धनबाद अपना बॉर्डर पश्चिमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल तथा बोकारो, गिरिडीह और जामतारा से शेयर करता है। 2011 के जनगणना के अनुसार धनबाद की कुल आबादी 11,62,472 है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुष में 891 महिलाएं हैं। धनबाद की साक्षरता दर 80% के लगभग है। धनबाद शहर की जलवायु काफी अच्छी है, लेकिन गर्मियों के दिनों में यहाँ गर्मी बहुत तेज होती है। धनबाद से होकर गुजरने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ से दामोदर नदी, बराकर नदी और कतरी नदी बहती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो धनबाद बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर ISM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस है, जिसे IIT का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर पूरे भारत वर्ष से छात्र पढ़ने आते हैं। वहीं बात करें तो यहाँ पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आसपास के जिले से छात्र पढ़ने आते हैं। वहीं यहाँ पर बेहतरीन संस्थानों में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT सिंदरी, जिसे देश भर में एक अलग पहचान मिली हुई है, वो धनबाद शहर में ही स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल की भी पढ़ाई होती है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि 1971 में ही बना था, वो धनबाद में ही स्थित है। यातायात के दृष्टिकोण से देखें तो धनबाद बहुत ही समृद्ध है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें, धनबाद रेलवे डिवीजन भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। वहीं आपको बता दें, भारत में सबसे पहले AC डबल डेकर ट्रेन धनबाद से ही शुरू हुआ था। सड़क परिवहन में देखें तो नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 18 धनबाद से जुड़ा हुआ है। हालांकि धनबाद में एयरपोर्ट उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। धनबाद से सबसे नजदीक एयरपोर्ट की बात करें तो हाल ही में बना देवघर एयरपोर्ट धनबाद से सबसे नजदीक है, जो कि धनबाद से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब जान लेते हैं धनबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जहां पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। भटिंडा फॉल, धनबाद में घूमने वाली जगहों में भटिंडा फॉल्स एक आकर्षित और सुरम्य झरना है, जो पत्थर की चट्टानों पर बना हुआ है। भटिंडा फॉल्स को मुनिडी के झरने के नाम से भी जाना जाता है। यह झरना धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। मैथन डैम, धनबाद में देखने लायक स्थानों में शामिल मैथन डैम बराकर नदी के किनारे पर स्थित है। मैथन डैम धनबाद के कोयला शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर और संसाधन युक्त बांध है। तोपचाची झील, एक खूबसूरत झील धनबाद की घूमने वाली जगहों में शामिल है। तोपचाची झील पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह एक कृत्रिम झील है जो लगभग 214 एकड़ के भूमि क्षेत्र में फैली हुई है। तोपचाची झील धनबाद शहर से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के पास ही 9 किलोमीटर के लगभग हिस्सा वन्य जीव अभयारण्य को सौंप दिया गया है, इसलिए आपको झील के आसपास कई प्रजाति के जानवर भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप यहां पर भी विजिट कर सकते हैं। बिरसा मुंडा पार्क, हाल ही में इस पार्क को बनाया गया है। धनबाद में घूमने लायक जगहों में यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिरसा मुंडा पार्क धनबाद का एक ऐसा पार्क है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और पिकनिक मनाने के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। बात करें तो बिरसा मुंडा पार्क 21 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। पंचेत बांध धनबाद के आकर्षित पर्यटन स्थलों में शामिल है। पंचेत बांध झारखंड राज्य के धनबाद जिले में बना हुआ है। पंचेत बांध एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरम जगह है, आप यहां पर जरूर विजिट करें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।